क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल दिया है 37 डिग्री, इधर एक स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग यानी कि कुछ कंप्रेस नहीं हुआ है कि कुछ एलोंगेट भी नहीं हुआ है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेटर से के। यहां से ये ब्लॉक, एक ब्लॉक उसका मास है एम, क्वेश्चन दिया है 2 kg, यहां से 4.8 मीटर दूरी पर था। यहां से ब्लॉक को हमने रिलीज किए, यानी कि इधर से वेलोसिटी जीरो, और ब्लॉक आ रहा है, ये फ्रिक्शन है, यानी कि ब्लॉक और सरफेस वे के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और ये ब्लॉक आया और स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग को इतना कंप्रेस किया एक्स, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ एक्स, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। अभी ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर ऊपर उठा यहां से 1 मीटर, 1 मीटर उठा। पहले हम फर्स्ट वेट करते हैं कि ब्लॉक इधर से आ रहा है, इधर स्प्रिंग को कंप्रेस करता है 0.2 मीटर, तो कंप्रेस करने के बाद ब्लॉक का वेलोसिटी इधर जीरो हो जाएगा। तो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऐसे लगेगा, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, पहले देखते हैं कि ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ये है 4.8 मीटर एंड ये है 0.2 मीटर, तो टोटल हो गया 5 मीटर। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, टोटल है 5 मीटर, 5 इधर थीटा, ये हो जाएगा आपका 5 cos थीटा, एंड ये हाइट हो जाएगा आपका 5 sin थीटा, एंड थीटा का वैल्यू है 37 डिग्री, यानी कि 5 sin 37 is 3/5, यानी कि 3 मीटर। तो ब्लॉक ये लेवल से ये लेवल तक वर्टिकली 3 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है। ब्लॉक सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो वेट नीचे आएगा, ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, एम जी इधर थीटा, इधर फोर्स आएगा एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो इधर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर पड़ेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है म्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है म्यू एन, यानी कि म्यू और एन के जगह एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा जूम करिएगा, एम जी कॉस थीटा, यानी कि म्यू, एम का वैल्यू है 2 kg, जी का वैल्यू है 10, और कॉस 37 4/5, ये हो गया 2 × 4 × 4 = 16 μ। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 16 μ। तो यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम पकाएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पकाएंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, इधर से हमने ब्लॉक को रिलीज किया, वेलोसिटी था जीरो, और फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ब्लॉक भी रुक गया, उसका फाइनल स्पीड भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अभी ग्रेविटी इस डायरेक्शन में mg पड़ रहा है, और ये लेवल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है 3 मीटर, तो वेट भी नीचे पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 3 मीटर। फिर इधर जो आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ 4.8 + 0.2, यानी कि 5 मीटर। तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो आर दोनों का माइनस एफ एस, एफ इंटू एस के जगह 5। फिर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो आर डन होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स दिया हुआ है। तो ये आपका आ गया, ये इधर ले आइए, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5f माइनस 3mg इज इक्वल टू 0। अभी सब वैल्यू पुट करेंगे, हाफ k का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, क्वेश्चन पूछा है k x के जगह 0.2 उसका स्क्वायर प्लस 5 और फ्रिक्शनल फोर्स के जगह 16 μ माइनस 3 m के जगह 2 और g के जगह 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, ये 0.2 का स्क्वायर 0.04/2 0.02 k प्लस ये 80 μ माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी 0.02 डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा k प्लस 80/0.02 μ माइनस 60/0.02 इज इक्वल टू 0। तो ये 2/100 ऊपर चला जाएगा 100, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा k, ये आपका आएगा 80 × 100/2 μ प्लस माइनस ये आ जाएगा 6000/2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए, k प्लस 4000 μ माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यह आपका आ जाएगा पहला इक्वेशन। अभी ये फिगर को फिर और एक बार देखिए, अभी ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस किया 0.2 मीटर, फिर ऊपर चला गया 1 मीटर। तो और एक बार फिर जो फिगर करते हैं, स्प्रिंग इधर कंप्रेस था एक्स और इधर वेलोसिटी 0 था, अभी ब्लॉक ऊपर उठ गया 1 मीटर, यह है 1 मीटर, तो कितना हाइट उठ गया, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है, ये है 1 मीटर इस डायरेक्शन में थीटा, ये है 1 cos θ, ये है 1 sin θ, इतना हाइट, h इज इक्वल टू 1 sin θ, sin 37 होता है 3/5, तो इस लेवल से ब्लॉक कितना हाइट अपवर्ड जर्नी कर रहा है 3/5 मीटर। तो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, इतना हाइट उठा फिर फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा, तो अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आर डन बाय ऑल फोर्सेस। अभी इस दोनों पॉइंट के बीच में फाइनल पॉइंट ही है, इनिशियल पॉइंट ही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। अभी ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और कितना वर्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है 3/5 मीटर, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा है एमजी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर 3/5 मीटर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो वार्डन होगा माइनस एफएस, यानी कि माइनस एमजी फोर्स इनटू एस मींस डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 3/5। ये इस समय स्प्रिंग तो एक्स कंप्रेशन में था, फिर धीरे धीरे यहां से स्प्रिंग रिलैक्स हो रहा है या डिफॉर्म हो रहा है, तो रिलैक्स हो रहा है, तो स्प्रिंग वार्डन में बताया था स्प्रिंग वार्डन होगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर बढ़ेगा, वही म्यू एन, और म्यू एन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16 μ, तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक मोशन करेगा और कितना 1 मीटर, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो वार्डन होगा माइनस F इंटू एस मीन्स 1 मीटर, एस मीन्स 1 मीटर, ये आपका आ जाएगा 0
इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस एम का वैल्यू 2 kg है, जी का वैल्यू है 10 × 3/5 प्लस हाफ, के का वैल्यू नहीं मालूम नहीं है, एक्स का वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16 μ × 1 16 μ, ये इधर ले आइए, ये 2 हो गया, 2 × 4 × 3 = 12 प्लस 16 μ, ये आपका आ जाएगा 0.04/2 0.02 के 0.02 के माइनस 0.02 के इज इक्वल टू जीरो। अभी आप 0.02 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 12/0.02 प्लस 16 μ/0.02 माइनस 0.02 के बाई 0.02 के हो गया जीरो, ये 2/100 ऊपर चला जाएगा, तो 1200/2 प्लस 1600 μ/2 माइनस के इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आ जाएगा 600 प्लस 800 μ माइनस के इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी क्वेश्चन पूछा है कि म्यू निकालने के लिए और के निकालने के लिए दो अननोन है और दो इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। तो पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, देखिए पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूं के प्लस 400 μ माइनस 3000 इज इक्वल टू जीरो, फिर आया 600 प्लस 800 μ माइनस के इज इक्वल टू जीरो। अभी ये दो इक्वेशन का आप ऐड कर दीजिए, प्लस के माइनस के कट जाएगा, तो ये 800 μ और 4000 μ, ये आपका आ गया 4800 μ, ये माइनस 3000 प्लस 600 मींस माइनस 2400 उधर चला जाएगा, तो 2400 आ जाएगा, तो म्यू हो गया 2400/4800 यानी कि 0.5 म्यू आंसर आ गया। अभी म्यू का वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो के निकल जाएगा, के आपका बनेगा इधर चला जाएगा 3000 माइनस ये इधर चला जाएगा, तो 4000 के म्यू, यानी कि 3000 माइनस 4000 और म्यू के जगह 0.5, ये आपका आ जाएगा 3000 माइनस ये आपका 2000 आ जाएगा इज इक्वल टू 1000 और के का वैल्यू है न्यूटन पर मीटर, तो म्यू भी निकल गया और के भी निकल गया। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए